ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीजी कॉलेज सोलन में एक पुतला जलाया गया। यह पुतला भाजपा प्रदेश सरकार का है और इसे किसी विपक्षी दल के विद्यार्थी संगठन ने नहीं बल्कि भाजपा के ही छात्र संगठन एबीवीपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। यही नहीं, एबीवीपी ने गेट को बंद कर दिया और किसी भी छात्र को कॉलेज में जाने नहीं दिया। अन्य छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया तो कॉलेज में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को बुलाया और गेट को खुलवाकर मामले को शांत किया। पीजी कॉलेज सोलन में आपके सामने जो पुतला जल रहा है, ये भाजपा प्रदेश सरकार का है और इसे किसी विपक्षी दल के विद्यार्थी संगठन ने नहीं बल्कि भाजपा के ही छात्र संगठन एबीवीपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। यही नहीं, एबीवीपी ने गेट को बंद कर दिया और किसी भी छात्र को कॉलेज में जाने नहीं दिया। अन्य छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया तो कॉलेज में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को बुलाया और गेट को खुलवाकर मामले को शांत किया। आपको बता दें कि एबीवीपी लगातार छात्र संघ चुनावों की मांग कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार उनकी इस मांग को बिल्कुल अनसुना कर रही है। यही वजह है कि एबीवीपी और प्रदेश सरकार के बीच बेहद ठंड चुकी है और उनका कहना है कि अगर उनकी बात सरकार ने नहीं मानी तो वे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। अधिक जानकारी देते हुए एबीवीपी के सोलन इकाई सचिव शुभम ठाकुर ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि एबीवीपी किसी भी दल की चाटुकारिता नहीं करती, बल्कि वे छात्रों के हितों को सर्वोपरि मानती है। प्रदेश सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। यही वजह है कि उन्होंने आज कॉलेज में उग्र आंदोलन किया और उनका ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। देखिए, हमने प्रदेश सरकार का पुतला जलाया, प्रदेश सरकार का पुतला जलाया है। जो विद्यार्थी परिषद ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी दलगत राजनीति का समर्थन नहीं करते हैं। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता कभी बीजेपी का जाकर झंडा नहीं पकड़ता। हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉलेज कैंपस के अंदर काम करने वाले लोग हैं। हम देश समाज का काम करने वाले लोग हैं। हम बच्चों की एडमिशन करवाने वाले लोग हैं। समाज में किसी भी प्रकार की घटना घटती है, उसके लिए विद्यार्थी परिषद सबसे पहले कोई ना कोई कदम उठाती है। तो ये एबीवीपी है। एबीवीपी वो नहीं कि किसी दलगत राजनीति का हम समर्थन करें। कोई सही काम कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, कोई अदर पार्टी कर रही है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। पर हम किसी दलगत राजनीति के नाम पहलू है ना, हम किसी दलगत राजनीति की चाटुकारिता करते हैं। विद्यार्थी परिषद हमेशा देश समाज का काम करती है और जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है इसको हम लेके रहेंगे। जो हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारे को मत देने का अधिकार तो है, पर जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसी को बैन कर दिया। तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी और आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेगी। पर आज भी हमारा बहुत उग्र आंदोलन रहा, जिसको जो 2.5-3 घंटे कॉलेज गेट बंद रहा। तो फिर भी अगर अभी सरकार के अभी भी कान नहीं खुलते हैं तो विद्यार्थी परिषद सरकार को कहती है कि हम लाठी गोली खाएंगे, फिर भी आगे आएंगे, परंतु जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार राष्ट्रीय चुनाव है इसको हम बहाल करके रहेंगे। मौके पर पहुंचे तहसीलदार गुरमीत सिंह नेगी ने कहा कि जैसे ही उन्हें पता चला कि कॉलेज में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने बताया कि एबीवीपी के पदाधिकारियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है जिसे वे मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेज रहे हैं। हाँ, मुझे 10:30 बजे मुझे कॉल आई थी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से इन्होंने एबीवीपी ने कुछ स्ट्राइक किया है। तो जैसे मुझे तुरंत पता चला कि मैं यहाँ पे आ गया था, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी है जो गवर्नमेंट के लेवल की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब के लिए भेजी है। तो हमने मेरे ज्ञापन रिसीव कर दिया है। सेकेंडली सेम टाइम मैं फॉरवर्ड कर दूँगा थ्रू प्रॉपर चैनल DC साहब के थ्रू, गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री साहब को भेज दी जाएगी।